वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक द्विवेदी और आप है अपने चैनल टेक्नो अभिषेक में। फ्रेंड्स, आप लोग काफी समय से परेशान हो रहे थे कि मॉरेटोरियम जो 3 महीने आगे के लिए बढ़ाया जाएगा उस पर कब आरबीआई अपनी स्पीच रखेगा, कब उस पर आरबीआई अपनी सील लगाएगा। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आप लोगों की क्यूरीज काफी आ रही थी कि सर आपने बता दिया है कि आने वाले समय में आरबीआई बढ़ा सकता है, बट वो कब अनाउंस करेगा। तो आज का वीडियो पूरा इसी टॉपिक पर है और आज के इस वीडियो का थंबनेल आपने देख लिया होगा कि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आरबीआई ने इसका अनाउंसमेंट कर दिया है। ये लोकल न्यूज पर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा और हम इस पर बात करेंगे कि उस पर आपको जो इंटरेस्ट लग रहा था वो लगेगा कि नहीं लगेगा। आपको पता है इसके पहले कोर्ट पर इसका अभी फैसला आना बाकी था, अभी आरबीआई की तरफ से इस पर एक्शन लिया गया था। आरबीआई से पूछा था कोर्ट ने कि जो 3 मंथ का मॉरेटोरियम आपने दिया था उस पर इंटरेस्ट किस बात का लिया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, अभी ये चीज बाकी है, अभी उस पर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं आया है कोर्ट की तरफ से, ना अभी आरबीआई ने कुछ इस पर कुछ कमेंट्स किए हैं कि और इस पर उन्होंने अभी कोई रिप्लाई नहीं दिया है कोर्ट को, तो इसके लिए वेट करना पड़ेगा। बाकी अभी जो अनाउंसमेंट किया गया है उसके अंदर आपको 3 मंथ यानी कि आपको आगे का बेनिफिट मिल चुका है। आपका जो मॉरेटोरियम था फ्रेंड्स, वो प्रॉपर अब 6 मंथ के लिए हो चुका है, यानी कि आपको 31 अगस्त तक कोई भी ईएमआई पे नहीं करना है। तो चलिए हम इस पर एक बार प्रॉपर तरीके से न्यूज देखते हैं इसकी। तो देख सकते हैं इसका सार क्या है। कर्ज अदाई ऋण स्थगन को 3 महीने और के लिए अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। ऋण स्थगन के तहत लोगों से कर्ज के लिए उनके खातों से ईएमआई नहीं ली गई है, इससे लोन की अवधि 6 महीने बढ़ जाएगी और इस 6 महीने के दौरान लगने वाला ब्याज भी आपसे वसूला जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंटरेस्ट अभी कंटिन्यू है और इस पर हम प्रॉपर तरीके से पढ़े तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कहा है कि कोरोना वायरस संकट के कारण कर्ज अदाई पर ऋण स्थगन को 3 महीने के लिए अगस्त तक बढ़ा दिया गया है ताकि कर्जदारों को राहत मिल सके। आप ध्यान रखिएगा, आपका 3 महीने के ईएमआई 6 महीने के लिए कन्वर्ट हो चुका है, बट आपको यहाँ पर 6 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। अगर अभी कोई एक्शंस गवर्नर ने या इस पर अभी कोई भी बातें कोर्ट में नहीं पहुंची है या उन्होंने अभी इसका कोई रिप्लाई नहीं दिया है, अगर इस बीच में कोर्ट कोई भी इस तरीके का हमें रिस्पॉन्स मिलता है या क्लियर हो जाता है कि आपका 6 महीने के मॉरेटोरियम में आपका जो इंटरेस्ट है वो नहीं लगेगा, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो वेल एंड गुड वाली बात है कि 6 महीने के लिए हमारा कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी हमको पे नहीं करना पड़ेगा। बट अभी आप ध्यान रखिएगा, अगर आप मॉरेटोरियम का बेनिफिट लेते हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि आपको टोटल 3 मंथ तक का तो अभी आपका स्टेटमेंट जनरेट हो चुका होगा जो मैं आपको दिखा चुका हूँ, और नेक्स्ट थ्री मंथ के लिए फिर आपका मॉरेटोरियम आगे बढ़ चुका है, तो यहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट है वो पे करना पड़ेगा। और भी कुछ आपको इस पर इंफॉर्मेशन लगती है प्रॉपर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको लाकर देता हूँ वो बहुत सर्च करने के बाद मैं आपके तक पहुँचाता हूँ फ्रेंड। तो आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पर मॉरेटोरियम ईएमआई एक्सटेंडेड बाय आरबीआई, आज मॉर्निंग का अनाउंसमेंट है। आप ये देख सकते हैं कि 31 अगस्त 2020 तक के लिए यहाँ पर मॉरेटोरियम का बेनिफिट आपको दिया जाएगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी कोई डाउट्स बनते हैं कि क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएं, इस पर भी प्रॉपर तरीके से चीज़ों को चेक करने के बाद मैं आपको वीडियो बनाकर बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, अभी तो ऑल ईएमआई जितनी भी हैं आपकी सबकी 3 मंथ के लिए आगे फॉरवर्ड कर दी गई है। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलता हूँ मैं एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।